वाईफाई सुविधा से जुड़ेंगी हिमाचल की पंचायतें। आम आदमी पार्टी को एक और झटका। अब खबरें विस्तार से। लंबे समय से बारिश न होने के कारण हिमाचल प्रदेश की 401 छोटी बड़ी पेयजल योजनाओं पर सूखे की मार पड़ी है। अभी तक इन परियोजनाओं की स्थिति सामान्य थी, सीजन में पहली बार जल संकट सामने आया है। सरकार के पास पहुंची रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में इन पेयजल योजनाओं का जल 25% तक घट गया है। मौसम की बेरुखी कुछ और दिन ऐसे ही रही तो अन्य पेयजल योजनाओं पर भी सूखे की मार पड़ेगी। प्रदेश में पिछले करीब 2 महीने से बारिश न होने के कारण और ज्यादा जल संकट गहराएगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा और लेटरल एंट्री टेस्ट 2022 के आवेदन प्रदेश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निःशुल्क भरने की सुविधा दी है। इस सुविधा में प्रदेश भर के 95 ITI को चिन्हित किया गया है, जहां पर अभ्यर्थियों को निःशुल्क फॉर्म भरने के साथ में ट्रेड चुनने की भी जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा 15 मई और लेटरल एंट्री टेस्ट का संचालन 22 मई को करने जा रहा है। इसके लिए अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन भरे जा रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों के लिए वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला को प्रदेश में पहला पुरस्कार मिलेगा। पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को जम्मू के पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार देंगे। राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कारों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार इसमें शामिल है। अब हिमाचल की पंचायतें वाईफाई सुविधा से जुड़ने जा रही हैं। हालांकि भारत नेटवर्क के तहत सूबे के लिए 1800 करोड़ 2018 में मंजूर हो गए थे, लेकिन इसमें 50% बजट केंद्र सरकार और 50% प्रदेश सरकार को खर्च करना था, जिस कारण ये काम आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे में सोमवार को IT मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने केंद्रीय दूरसंचार एवं IT मंत्री अश्विन वैष्णव से मुलाकात की और इन मसलों को उनके समक्ष उठाया। मंत्री मारकंडा ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अस्पताल वाईफाई सुविधा से जुड़ेंगे। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी 70% बजट केंद्र द्वारा जारी करने की हामी भरी है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन के भीतर आम आदमी पार्टी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी के बाद अब 5 और नेताओं ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ममता ठाकुर, उपाध्यक्ष सोनिया बिंदर, संगीता उद्योग विंग के प्रदेश अध्यक्ष DK त्यागी और सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली। इन्हें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदस्यता ग्रहण करवाई। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश की आम आदमी पार्टी ने राज्य कार्यकारिणी भंग कर दी है। नई कार्यकारिणी का जल्द गठन किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री और हिमाचल आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने सोमवार देर शाम को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि 3 दिन के भीतर ही आम आदमी पार्टी को दूसरा बड़ा झटका लग गया है। प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी के बाद अब 5 और नेताओं ने आप को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह 15 अप्रैल को चंबा के चौगान मैदान में होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ स्पीकर विपिन परमार और वन मंत्री राकेश पठानिया भी समारोह में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। अन्य जिलों के कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। इनमें ज्यादातर मंत्रियों की उन्हीं के जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। ये इन समारोहों में राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण करेंगे। 3 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर दौरे के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ना वो इंडियन है, ना नेशनल और ना ही कांग्रेस। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय नहीं बल्कि एक पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है। देश में भाजपा की तरह कोई पार्टी नहीं है जिस पर कार्यकर्ता का हक हो। सभी पार्टियां पारिवारिक हैं। नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है। जनता ने इस पार्टी को पूरी तरह से नकारा है। भाजपा ने लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी है, इस कारण आज भाजपा सत्ता में है। उन्होंने कहा कि गोवा में 3री बार भाजपा की सरकार बनी है।
ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। ऐसे हालात में आपसी लड़ाइयां लड़ना उचित नहीं है। अपने अपने देश महाद्वीप के बारे में सोचने के बजाय समूचे विश्व की मानवता के बारे में सोचने का समय आ गया है। ग्लोबल वार्मिंग से जो हालात पैदा हो चुके हैं उनमें हमें एक मानव समुदाय के रूप में मिलकर कार्य करना होगा। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में अपनी आवाज़ पर दुनिया भर से आए मित्रों के साथ संवाद के दौरान तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने युवा पीढ़ी को ये संदेश दिया। आलू की फसल पककर तैयार हो गई है। कई क्षेत्रों में इसकी पटाई भी शुरू हो गई है। किसानों के लिए चिंता की बात यह है कि इस बार भी आलू के उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है। एक कनाल में 10 से 12 क्विंटल आलू की पैदावार हो रही है जबकि पैदावार 15 क्विंटल तक जाती है। हर जगह से आलू उपलब्ध होने के कारण इस फसल के मंडी में अच्छे दाम नहीं मिल पाते। ऐसे में केवल अच्छा उत्पादन होने पर ही किसानों को लाभ होता है, लेकिन इस बार उत्पादन 20 से 25% तक गिरने से किसान चिंतित हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।